आपने कहा कि हाँ हाँ नहीं नहीं हम माइक को बिल्कुल समीप किए हैं। रेले बालक कान बस बोलत तो ही ना संभाल, तुम संभाल करके नहीं बोलते हो। तो महाराज एक बात आपको बता दें कि लक्ष्मण बहुत संभाल करके बोलता है, क्योंकि लक्ष्मण का बोलना कहीं से भी अनुचित नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण ने जो भी आपको कहा है तो किन शब्दों का प्रयोग किया है लक्ष्मण ने, तो बहुत धन भी तोरे लड़िकाई कबहून असरिशीन गोसाई, गोसाई जैसे शब्दों से मेरा संबोधन है। मैं आपको गोसाई कहता हूँ तो मैं अगर आपको गोसाई कहता हूँ तो क्या फिर भी मैं संभाल करके नहीं बोलता? इसलिए अगर आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो ये भी आपका आरोप लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लक्ष्मण का बोलना बहुत ठीक है पर आपका बोलना ठीक नहीं है। मैं स्वयं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ कि लक्ष्मण जब भी बोलता है तो लक्ष्मण आपको गोसाई कहता है, पर जब आप बोलते हैं तो आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? क्या उस पर आपने विचार नहीं किया? आपने उस पर ध्यान नहीं दिया? अब आप जो भी बोले हैं तो कैसे बोले हैं, तो सीधे प्रमाण मिलता है। अतिरिश बोले वचन कठोरा माने अच्छा होता है क्या? देख ले कैसा उपदेश कर रहे हो लोगों को, इसी पर प्रभावित हुए। अब इधर देखो, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु माने इधर देखो, प्रभु माने देखो, बोलो हम जब से आएंगे तब तुम्हें बुलाएंगे, ये मैंने कह रखा था। तो प्रभु माने है क्या? तुम हमें न बुलवाओ, तुम हमें अपने क्रम में न बोलने दो, लेकिन आनंद तभी मिलेगा। प्रभु दो चाप खंड मही डारे ये तुमने कहा, नहीं मेरी बातों का तो प्रभु माने होता क्या? आप मेरी बातों का पहले उत्तर दीजिए। हम समझदार कम है, हम है अंगूठा छाप, नहीं नहीं अंगूठा छाप, जितना हम पूछते जाए उतना हमें बताते। देखो पूछताछ नहीं हो कि पूछते जाए उतना हम बताते जाए, अब जितना ही पूछा है, अगर इतने बड़े पूछताछ होते तो अभी तक पता लग गया होता कि धनुष किसने तोड़ा। ये बात तो सही। अब पूछताछ की भी कोई विधा होती है, है? कि पूछताछ भी करना है तो कैसे करना कैसे है? करें? है? एक थोड़ा करना, एक प्रशासनिक अधिकारी अगर समाज में आ जाए ऐसे थोड़ा करना है, वो फिर कैसे पूछेगा? आप अपने क्रम में रखिए, मैं अपने यही क्रम का उत्तर। तुमने कहा प्रभु दो चाप, तो प्रभु माने होता क्या? आपका जो मानक है आप अपना वाला व्यक्त करिए, हमारा जो मानक होगा हम। खंड मई डारे, डारे माने कार्य हो रहा है कि हो चुका है, बोलिए आप लोग। खंड मई डारे, तोड़ने वाले ने धनुष के दो टुकड़े करके धरती पर डाल दिया, तब तक किसी ने देखा? बोलिए आप लोग। अगर डालते हुए देखा हो तो सुख का अनुभव किस किस बात पर किया? क्या देखा? देख लोग सब भय सुखारे, मैं रुक रहा हूं और चाहता हूं अगर आप लोग भी जानना चाहें कि जब तोड़ने वाले ने धनुष के दो टुकड़े कर दिए धरती पर डाल दिया, तब तक किसी ने नहीं देखा। तो जब डालते हुए किसी ने नहीं देखा तो देख लोग सब भय सुखारे, आखिर लोगों ने फिर क्या देख करके हृदय में सुख का अनुभव किया? मैं यही रुक रहा हूं। अभी नहीं आप रुकेंगे, अभी आप रुकेंगे नहीं। हमको लगता है कि आज बिल्कुल बेईमानी का झंडा लेकर के निकले होगा। अच्छा हमारी बातें हो गई तो यहीं पर ये रुक रहे हैं, हमारी बातें क्या हो गई तो यहीं पर रुक रहे हैं। बात ये नहीं थी, बात देखिए जो बात है आप उस पर दर्शन दीजिए, उससे जुड़ करके। आप केवल मतलब की बात अपनी ना छाटो कि जो हमको आता है हम केवल उतनी बात करें। सार ये नहीं, नहीं सार सार नहीं, सार सार नहीं। अगर सार की ओर ज्यादा बहुत ज्यादा विचार जा रहा है तो सार फिर इसमें है केवल। अब अगर सार की बात करें तो वो केवल मान लीजिए केवल केवल सार उतने में आए, तो ज्यादा सार वाले ना बनो।
कितना समय कुछ है, ठीक है ना। अगर इसी के संदर्भ पर अगर केवल सार की बात करोगे तो आपकी मेरी सार भर से केवल काम बनने वाला नहीं है, फिर यात्रा नहीं हो सकती ना। जन्म जन्म कराही, मैंने कहा था पहले रुकाओ, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, एक ही शब्द में राम कही आवत नहीं, वो जन्म जन्मांतर बीत गए। अरे तो वो ठीक है, वो भाव पक्ष पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाव पक्ष पर अभी भाव पक्ष नहीं है। और क्या अभी अभी देखो, अभी जो तर्क का विषय रखे हो, तर्क पक्ष रखे हो, तो अभी उस पर यात्रा नहीं कर रहे हो, कहां से ये भाव पक्ष बना करके खड़े हो गए। मैंने कहा था, आपने कहा कि इसको तोड़वाना अधर्म है, ये कहां का धर्म है, इसका मतलब कि धर्म नहीं है। तो फिर लोग सुखी क्यों हो रहे हैं? ये सुखी होने वाले लोग अज्ञानी है, ज्ञानी है, सज्जन है, दुष्ट है, कौन है? यहाँ पर उत्तर करिए, यहाँ पर उत्तर करिए। कोई उत्तर आया? अब प्रभु तो चाप खंड में ही जाए, देख लोग सब है सुखारे, ऐसे कहा था। मतलब की बात नहीं, मतलब की बात छाट रहे हो, मतलब की बात ना छाटो। देखो आप आप आपसे फिर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मतलब की बात ना छाटो, आप ईमानदारी से यात्रा करिए, ईमानदारी से हम करेंगे। क्यों क्या ठीक नहीं है, क्या गलत कह रहे हो तो बताइए। अगर अधर्म है, अपराध है, तो फिर ये सुखी क्यों? बात यहां पर है, अब उत्तर यहां पर आना चाहिए। यदि यहां पर नहीं आ रहा तो फिर मेरी बात का कोई समाधान नहीं है, फिर संदर्भ आपका मेरा क्या बनेगा भाई? आपकी मेरी कोई क्रमबद्धता नहीं बन पाएगी इस तरह में। अक्रमबद्धता बनाने के लिए इसलिए जरूरत है कि महाराज अगर क्रमबद्धता नहीं बनाएंगे तो फिर समय से यात्रा कैसे हो? अपराध ये है कि जब एक ज्ञानी ने कह दिया, एक संत ने कह दिया, एक पवित्र वाणी के द्वारा कहा गया और उस वाणी की अवमानना हुई, यही अधर्म है। एक संत ने क्या कहा? धनुष तोड़ना ये धर्म अधर्म से परे है, लेकिन अधर्म क्या किया गया? एक संत की वाणी को अवमानित किया गया। नारद वचन सदा सुच साचा, सो बरु मिलही जाहि मन राचा। सीता जी गई पुष्प वाटिका में तो महाराज किसी को देख लिया, सुमिर सी नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, पुरातन की प्रीति स्मरण आ गई। जब सीता तीन माह की थी तब देवर्षि नारद इसी मिथिला में आए और सीता को देख करके योगी जनक से कहा, हे राजन, ये साधारण बेटी नहीं है, इस बेटी के लिए अमुक वंश में बल होगा, उसी के साथ इसका विवाह कर देना। राजा जनक ने देवर्षि नारद की बात क्यों नहीं मानी? क्या महापुरुषों की बात ना मानना ये अधर्म नहीं है? बोलिए आप लोग। नारद वचन सदा सुच, सुच माने पवित्र और साचा माने सत्य। चलो नारद को छोड़ दो, पार्वती जी ने कहा, मन जाहि राचो मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सावरु, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरु, सुनसी सत्य आशीष हमारी और पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुच साचा और सोबरु मिलहि जाहि मन, हे बेटी तुम्हें वही बर मिलेगा जिस बर को तुम चयन कर लोगी, यही अधर्म। व्यवस्था क्या बनी? रहा विवाह चाप आधीना। अब सीता का विवाह किसके आधीन है? धनुष के। तो क्या समाज में महापुरुषों की बात को मानना ये अनुचित है? अगर वो मान लेते तो धर्म हो जाता और धनुष बच जाता और सीता का विवाह हो जाता, हो गई बात। लोग सुखी क्यों हुए? क्योंकि सीता, हो सकता सीता को वह पर सीता के अनुकूल नहीं मिला होगा, इसीलिए तो सभी सुखी है कि सीता जिसे चाहती थी
वो उसे नहीं मिला। देखो ये हमारी आत्म अभिव्यक्ति है और आप हैं रामचरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेटा अधर्म हुआ है हमारी दृष्टि में। चलिए हो गई बात, आपकी दृष्टि, अच्छा आपकी दृष्टि बिल्कुल ठीक नहीं समझ में आ रही। बात ये है आपकी दृष्टि ठीक समझ में नहीं आ रही, अब क्यों? अच्छा अब इसको कहीं से जैसे कोई मार्ग ना मिला तब एक जगह से जोड़ दिया। अच्छा कहां से इन्होंने जोड़ा? आप लोगों ने सुना इन्होंने कहा कि एक संत की आज्ञा की अवहेलना हो जाए, ये अधर्म हुआ। ध्यान दीजिए, अच्छा चर्चा धनुष टूटने की हो रही थी कि संत की आज्ञा की हो रही थी? ईमानदारी से जरा बताइए आप लोग, प्रधान जी आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चर्चा कहाँ की हो रही थी? ये हमको केवल घुमा रहे हैं इधर उधर। चर्चा कहाँ की हो रही थी? चर्चा धनुष टूटने की हो रही थी, तोड़ने वाले की हो रही थी कि बताओ ईमानदारी से किसी संत की हो रही थी? ईमानदारी से बताइए आप। अब देखो कहां से आ गए, ताल ना ठोकाओ, ताल ठोकने से काम नहीं बनेगा। ध्यान दीजिए, चर्चा वहां की नहीं है, चर्चा जहां की है वहां उत्तर नहीं आया। अब आइए जरा मैं फिर एक जोड़ करके एक प्रमाण दिए दे रहा हूं। कैसी बात करते हो? आपने कहा, मैं बहुत अधिक विस्तार की वार्ता नहीं करूंगा, आपने कहा कि एक संत की आज्ञा की अवहेलना हुई, किसी संत की आज्ञा को न माना जाए तो ये अधर्म है। बढ़िया मार्ग निकलने का खोज लिया। अरे बारे स्वामी जय हो, धन हो तिवारी जी, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, संत की आज्ञा नहीं मानी गई, धनुष तोड़वा दिया गया। अच्छा धनुष बात फिर वहीं आ गई ना, धनुष तोड़वा दिया गया, बात वहीं आ गई, पर ये केवल किनारे किनारे हैं। धनुष तोड़वा दिया गया, अब उनकी आज्ञा नहीं मानी गई तो ये अधर्म हो गया। अच्छा रुकिए, अधर्म हो गया, आप लोग भी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये अधर्म हो गया, मैं भी माने ले रहा हूं कि अधर्म हो गया। अच्छा ये अधर्म हो गया तो अगर ये अधर्म है तो फिर धनुष टूटने के बाद विप्रों के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण भी किया गया। ध्यान दीजिए, जहां तहां विप्र वेद ध्वनि कर रही अबंदी विरदा वाली उच्चार ही, धनुष टूटने के बाद वेद मंत्रों का उच्चारण किया गया। ईमानदारी से बताइए क्या अधर्म होने के बाद वेद मंत्रों का उच्चारण होता है? धर्म होने के बाद, रुकिए और मैं एक बात दे रहा हूं, अगर आपकी दृष्टि में ये अधर्म है, ध्यान दीजिए, तो अधर्म है तो फिर अधर्म होने के बाद वेद मंत्रों का उच्चारण है, तो अगर अधर्म होने के बाद वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगेगा तो धर्म, तो फिर धर्म होने के बाद कौन से मंत्रों का उच्चारण होगा? अगर अधर्म होने के बाद वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगेगा तो फिर धर्म होने के बाद कौन से मंत्रों का उच्चारण होगा? महाराज ये बात मेरे ठीक समझ में नहीं आ रही, इसलिए ये कहीं ना कहीं अधर्म नहीं है। बस अब किस बाल लक्ष्मण ने अपनी बुद्धि परख से मुझे बांधा कि मंत्रों उच्चारण तभी होता है जब धर्म के कार्य होते हैं। इसी पर प्रभावित हुए हैं राम। देखिए वेद मंत्र उच्चारे कब गए? जब सीता का विवाह हुआ तभी तो उच्चारे गए। अब विषय ये बना कि आखिर सीता ने उस जयमाल को पिनाई किसे? तो ज्ञानियों ने कहा जिसने धनुष तोड़ा। तो जब तक धनुष टूटा नहीं तब तक वेद ध्वनि नहीं हुई। क्या नहीं हुई? क्या इसके पहले नहीं हुई? तब भी हुई। जय गज बदन खदानन माता, जगत जननी दामिन दुति दाता। समाज ने भी वेद मंत्र उच्चारे हैं, हर विधि बेग जनक जलताई, और मति हमारी अस देई सुहाई, लेकिन उन मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वेद मंत्र नहीं है ये जो आप कह रहे हैं, तो ये क्या? नहीं नहीं ये वेद मंत्र नहीं, मंत्र क्या? नहीं ये वेद मंत्र नहीं है, तो फिर मंत्र है क्या? नहीं आप ऐसा कोई प्रमाण दीजिए जैसे मैंने दिया है, जहां तहां विप्र वेद ध्वनि, ऐसा कोई है?
मंत्र नहीं ऐसा कुछ है नहीं, ईमानदारी से देखिए और किसी अंतर ना करो, हम नहीं अंतर से फिर बिगड़ने लगता। अगर आपने चर्चा का विषय बनाया है तो आप वहीं पर यात्रा करिए, बहुत सीधी सीधी यात्रा है, आप वहाँ करिए। मैंने कहा मेरी सीधे सीधे मेरी बात है कि आपने कहा कि ये अधर्म है, तो मैंने सीधे प्रमाण दे दिया कि अगर महाराज ये अधर्म है तो फिर वेद मंत्र उच्चारे गए तो क्या अधर्म में वेद मंत्र उच्चारे जाते हैं क्या? अब अगर अधर्म में वेद मंत्र उच्चारे जाते हैं तो फिर शुभ कार्य होने में, धर्म के कार्य होने में कौन से मंत्र उच्चारे जाएंगे? बात यहाँ है, जब अधर्म का कार्य होता है तो क्या वेद मंत्र नहीं बोले गए? जिस समय नारायण ने वृंदा के सतीत्व का हनन किया, ये धर्म हो रहा था कि अधर्म? जिस समय राजा बलि दान देने के लिए चला और गुरु जी आ गए, गुरु की बात नहीं मानी, अब देखो धर्म हो रहा था और गुरु की बात ना माने, तो क्या ये धर्म है? कल्पना करो, धर्म कर रहा था, उसने वचन दे दिया कि आप जो मांगे मैं दे रहा हूं, ये धर्मकार हो रहा था। गुरु जी आज गए और बोले बेटा ये जो तुमने कहा है इसको वापस लो, क्यों? कल ये छलिया है, ये बड़ा बहुरूपिया है, इसके चक्कर में ना पड़ो। तो क्या गुरु जी की बात मानना ये धर्म है कि अधर्म है? और उस समय कौशवारी हाथ में लिए हुए गंगा जल और महाराज जिस समय दान देने की विधा आई तो मंत्र उच्चारण हो रहा था, लेकिन गुरु की बात नहीं मानी। परिणाम उसी धर्म कर्म में गुरु जी को अपनी एक आंख भी गमानी। और महाराज क्या धर्म कर्म में किसी की आंख फोड़ देना यही धर्म है? कल्पना करो, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। अब सहमत हो गए तो बात हो गई। अब देखो अगर भाई सहमत हो गए हो मंत्र तो बात हो ना गई। नहीं मंत्र है भाई, बात तो वही है ना कि जब सहमति है, देखिए बात वही है, बात वही है। और मैं बिल्कुल ये जिज्ञासु भाव है क्योंकि बड़ा आनंद आता है, ऐसा नहीं है, देखिए जो बात यथार्थ है वो ठीक है, पहले समझ गया, लेकिन आपने बहुत जल्दी सहमति अपनी कर ली इसमें, इस बात में। भाई मेरी सीधी सीधी बात है महाराज, जैसे आप वेद मंत्रों का उच्चारण किया गया, ध्यान दीजिए जरा, वेद मंत्रों का उच्चारण किया गया, अब आपकी दृष्टि में ये अधर्म है, तो मेरी सीधी सीधी बात है कि अधर्म होने के बाद वेद मंत्र उच्चारे जाएंगे तो फिर शुभ कार्य होने के बाद और धर्म के कार्य होने के बाद ये कौन से मंत्र उच्चारे जाएंगे? अगर अधर्म होने के बाद वेद मंत्र उच्चारे जाएंगे तो फिर धर्म होने के बाद कौन से मंत्र उच्चारे जाएंगे? यहां से बिल्कुल स्पष्ट बात ये निकल करके आ रही है कि ईमानदारी से ये धनुष तोड़ा गया तो धनुष का तोड़ना ये अधर्म है कि धर्म है? एक बार हाथ उठाओ जोर से कहो कि धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। नहीं क्या है? नहीं रुकिए जरा सुन ले दीजिए, क्या है? धर्म है। तो जब धर्म है तो फिर काहे जबरदस्ती लगे पड़े हो धर्म है अधर्म है? अब हम करें कि चलो अधर्म है अगर तो फिर धर्म होने के बाद कौन से मंत्र उच्चारे जाएंगे, इस पर विचार करें। बस तुम यहीं रुको, धनुष धनुष टूटा, ये धर्म है बोलो? और ये धर्म है तो एक छोटी बात हमारी ले लो, जिसने धनुष तोड़ा है उसने अधर्म किया है, लेकिन अगर ये धनुष स्वयं टूटा है तो फिर उसने धर्म किया। कहो कैसी रही? दे रहा हूं, अब संभालो मेरे वार को। नहीं हो गई बात, अभी नहीं बात बनी, ये बात बहुत बढ़िया भैया, किसकी आज्ञा? रुक जाओ, अरे हम गुरु आज्ञा और क्या, ये सब फिर देखो। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इधर कम इधर ज्यादा, ये सब बिग लोग बैठे हैं, इधर ज्यादा अब देखो, ध्यान दीजिए इनको, लोगों को देखिए, हमको इनसे बात करने की आवश्यकता है, इनसे वार्ता करने की, हमें तुमसे बात करने की आवश्यकता, ये सब सुधी लोग बैठे हैं। चलिए बात वही की वही है, इन्होंने कहा, अब देखो जबकि उस बात में नहीं है कुछ, उस बात में विचार नहीं है,
अब एक बात अतिरिक्त ये आ गई कि धनुष टूटा तो धर्म, धनुष तोड़ा गया तो अधर्म। अच्छा, धनुष अगर तोड़ा भी गया है तो अधर्म है, धनुष तोड़ा गया है तो क्या अधर्म है? नहीं है धर्म। और धनुष नहीं है धर्म, नहीं है धर्म, नहीं है धर्म भाई। जब तोड़ा गया तभी तो टूटा, दोनों बातें हैं। तोड़ने वाले ने तोड़ा, और जब तोड़ने वाले ने तोड़ा तो फिर धनुष टूटा। अब अगर तोड़ने वाला न तोड़ता तो धनुष कैसे टूटता? अच्छा, तोड़ने वाले ने अगर धनुष को तोड़ा है, ध्यान देना, तोड़ने वाले ने अगर धनुष को तोड़ा है तो क्या जबरदस्ती जाकर के सीधे धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया है? फिर कैसे? ना भाई, गुरु आज्ञा का पालन किया है। अच्छा, गुरु आज्ञा का पालन किया है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब बोले अति स्नेह मैं बानी, उठाओ अमुख भंजो भाव चापा, अब मेटो तात जनक परितापा। अब इतने नहीं, रुको, आओ ले लो, 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 लेते जाओ। गुरु ने कहा तोड़ने वाले से कि जाओ इस कार्य को करो, धनुष को तोड़ो। तब तोड़ने वाले ने तोड़ा। अब केवल गुरु ने नहीं, ना अभी और कुछ है, गुरु पद बंद सहित अनुरागा। अब आगे, राम मुनिन सन आयस। अब बताओ, जब इतने मत धनुष तोड़ने वाले के साथ में है, आज्ञा इतनी आज्ञा है धनुष तोड़ने वाले के साथ में, तो ईमानदारी से जरा उत्तर करना कि ये धर्म है कि अधर्म। जोर से एक बार बोलो ताकि ये भी सुने। धर्म है तो फिर ये क्यों? अरे इसी में तो मर्म है। अभी पता चलेगा कि गुरु जी ने आज्ञा दी है क्या, कि केवल घुमाया जा रहा है। निप भुजबल विदु शिव धन राहु, राजा लोग तोड़ने के लिए चले, हम नहीं कह रहे हैं, यही आपका पवित्र ग्रंथ कह रहा। निप भुजबल विदु, राजाओं की भुजाओं का बल कैसा है? उत्तर मिला विदु, विदु माने चंद्रमा। और धनुष कैसा है? ये राहु के समान है। तो ज्योतिष कहता है कि जब राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का बल समाप्त तो हो जाता है। राजाओं से धनुष नहीं टूटा, लेकिन तोड़ने वाला जब उसके पास आया तो महाराज वो भी तो चंद्रमा है, वो तो पूर्णिमा का चंद्रमा है। उडगन मऊनूरे, नक्षत्रों के बीच में जिस प्रकार से चंद्रमा सुशोभित है, ठीक उसी प्रकार से आज इन नक्षत्र रूपी राजाओं के बीच में धनुष तोड़ने वाला सुशोभित है। तो उससे धनुष ये कैसे टूट गया? मैं फिर रुक रहा हूँ, बोलिए। मुझे परशुराम जी से निवेदन है, ये तो सब जानते हैं, मानस पढ़ते कि धनुष किसने तोड़ा है। आप आध्यात्मक पाइए, जैसे समाज को कोई ज्ञान प्राप्त हो। किसने तोड़ा? संघ की धारा बनानी। अभी बनेगी, देखो बारह, तुम ना चिंता न करो। ने कहा कि जो ये धर्म में वेद उच्चारण होते हैं, अधर्म में भी वेद उच्चारण होते हैं, ये बात सत्य है। अधर्म में भी वेद उच्चारण होते हैं और धर्म में भी वेद उच्चारण। नहीं, आपने कही कि सब लोग जानते हैं धनुष किसने तोड़ा, ये थोड़ा हमको भी बता दो। मानस बताती है। नहीं नहीं, अभी वहाँ ये मानस बताती नहीं, मानस घुमाती है। राहत की बात है थोड़ा सा। मानस कहती कि धनुष किसने तोड़ा तो लेत चढ़ावत खंजत गार है काऊ न लखा। अगर ये जान जाएंगे, मान जाएंगे तो यहीं से समाप्त न हो जाएगा सब। तुम हमें मनवा दो कि इसने धनुष तोड़ा। ये जान करके भी नहीं मानेंगे। अब अगर ये मान जाएंगे, अब देखो बैठ जाएंगे। जब राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा तोड़ने वाला पूर्ण चंद्रमा, राजाओं की भुजाओं से चंद्रमा नहीं टूटा, तो फिर जिसका पूरा शरीर चंद्रमा के समान है उससे धनुष कैसे टूट गया? हम मान लें।
फिर महाराज उस समय जब संत की ही कृपा लगी, जब संत ने ही आत्म अभिव्यक्ति की, संत ने विचार किया कि तोड़ने वाला कोई साधारण नहीं है, आ गया सरम सामने तो दम के दामिन जिम जब ले तो पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। धनुष तोड़ने वाले और धनुष के बीच में मैया पार्वती जी प्रकट हो गई। लोग कहते हैं कला धमके दामिन, दामिन माने कला बिजली कौन थी ना। उस समय धनुष तोड़ने वाले के और धनुष के बीच में मैया पार्वती जी अपने देदीप्यमान प्रकाश को लेकर के प्रकट हो गई, तो उनकी दिव्य ज्योति में किसी ने नहीं देखा। तल तल बितल सुतल तला तल सातल पाताल भू भुआ स्वा जना तपा महासत्य मई पाताल नाग। अखिल ब्रह्मांड में रहने वाले लोगों के द्वारा ये क्रिया किसी ने नहीं देख पाई। तब इस धनुष ने विचार किया, क्यों इस धनुष में महात्मा दधीच के प्राण थे, तो महाराज कौन भक्त नहीं चाहता है कि मेरे प्राण तीर्थ में छूट जाएं, सभी चाहते हैं। धनुष ने भी विचार किया होगा कि तोलने वाले के हाथ जो हैं वो तीर्थ के समान हैं, क्यों ना ऐसा सुंदर लाभ हमें भी उठाने का समय मिल जाए। तो स्वयं धनुष उठ गया और उठ करके तीर्थ पानी समायुज्जो, उसके तीर्थ रूपी हाथ में ये धनुष स्वयं ही समाहित तो हो गया स्वप्राणम मुमोक्ष, और अपने आत्म शक्ति को उसी के हाथों में समर्पित कर दी। ये दृश्य किसी ने नहीं देखा सिवा भूत भामन भगवान शंकर के। अब बताओ बेटा कैसी रही, तुमने कहा ये तोड़ा और हम कह रहे हैं ये टूटा। कुल मिलाकर के आपने सारी बातें कही, ध्यान दीजिए जरा। अब सारी बातें जब आपने कह डाली, ठीक है ना, कौन ऐसा भक्त नहीं चाहेगा। अब यहाँ तक चूंकि ये भाव का पक्ष बना दिया आपने, कौन ऐसा, अच्छा जब भाव का पक्ष बन जाता है तो फिर वहां लड़ाई नहीं हो पाती। ध्यान दीजिए जरा, अब आपने भाव का पक्ष बना दिया, कौन ऐसा भक्त नहीं चाहता, कौन ऐसा भक्त नहीं चाहता जिसका उद्धार भगवान के हाथ से, कौन ऐसा भक्त नहीं चाहता। ध्यान दीजिए जरा, तब ये भाव की पक्षी पक्ष पर खड़े होकर के आपने ये प्रयोग कर दिया, तो इसका मतलब कि भक्त कौन हुआ, भक्त कौन हुआ, धनुष। ध्यान दीजिए, तोड़ने वाला कौन हुआ, कौन हुआ भैया, ठीक है ना। अब बात वही निकल करके, अच्छा अब यहीं से जरा ले ले, धनुष हुआ भक्त, धनुष हुआ भक्त। अब इनके कथन अनुसार, क्योंकि मैं अभी रहस्य को नहीं खोल रहा, क्योंकि आपकी मेरी लड़ाई है, अगर रहस्य को खोल दूंगा तो लड़ाई आपकी मेरी यहीं से समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अगर क्षमता है तो रहस्य को खोल कर दिखा दो। एक क्षण, अब मैं क्या खोलूंगा, जब आपने खोल दिया तो मुझको खोलने की जरूरत नहीं है। तुमने आगे 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 तो आपने खोल दिया, तुमने रुकिए रुकिए माना, अरे अभी कहां माना, मेरी बात को माना है, जैसे अरे एक क्षण, अभी कह रहे हैं अगर कहोगे तो क्यों ना मानेंगे, अब जैसे नहीं अगर कहोगे तो क्यों ना मानेंगे, जैसे अब आपने ये कह दिया अपने कथन में कि ये धनुष हुआ भक्त, तोड़ने वाला हुआ परमात्मा माने भगवान। ध्यान देना ईमानदारी से, मेरी बात का यहीं से उत्तर निकल आया कि अगर भक्त टूट रहा है और भगवान तोड़ रहा है, तोड़ने वाला साधारण नहीं है, अब अगर तोड़ने वाला भगवान है परमात्मा है, तो ईमानदारी से जरा बताओ कि ये धर्म है कि अधर्म है, क्या है वो, अब बताओ। तो ये ना बिल्कुल मोर्चा बनाना कि धनुष तोड़ने वाले ने अनचित किया है, अब बिल्कुल ये भी ना बनाना, ठीक है ना। इसलिए ना बनाना कि सारे लोगों की एक इच्छा थी, लालसा थी, और उसको अगर कहो तो हम व्यक्त करें, इसलिए धनुष तोड़ने वाले के विरोध में कोई बात ना करो, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में मैं खड़ा हूं और धनुष तोड़ने वाला मेरा सर्वस्व है। और एक ईमानदारी की बात, जो लोग सत्संग थोड़ा सा चाहते हैं तो उनकी भी इच्छा थोड़ा सा रखते हुए यात्रा करते हैं, यात्रा
इच्छा प्रथम है और हमारी इच्छा नहीं नहीं इनकी इच्छा प्रथम है और मेरी इच्छा क्योंकि इनकी इच्छा के लिए आप हम आए हैं आप हम इनकी इच्छा के लिए आए हैं है? आपकी मेरी इच्छा तो बाद में भी हो जाएगी है? कोई ऐसी बात नहीं है प्रायः होती रहती है लेकिन इनकी इच्छा सर्वोपरि है ठीक है ना क्योंकि इनकी इच्छा यही व्यक्त होनी है ठीक है ना और आपकी हमारी आगे भी इच्छा पूर्ति हो जाएगी और होती रहती है ऐसा होता ठीक है ना अब देखिए जरा मैं यहीं से जोड़ करके एक धरातल बना रहा हूँ और सत्संग का धरातल बना रहा हूँ चूंकि लोग जो चाहते हैं कई बार कह भी चुके देखिए अब तोड़ने वाला कौन है परमात्मा ध्यान दीजिए माने भगवान चलो ठीक है तो अब उसको जान लेना क्या कोई साधारण बात है और साधारण नहीं कैसे साधारण बात है भाई हमने तो ऐसा सुना है हमने तो सुना है कि महाराज व्यक्ति तो तभी जानता है प्राणी तभी जानता है जब वो जनाता है तभी जान पाते हैं लोग क्यों क्योंकि सीधे प्रमाण मिलता है इस बात का कि सोई जाने जही दे जनाई अजानत तुम ही और ये बात यथार्थ हो जाएगी जब आप जान जाओगे तो उन्हीं के हो जाओगे कई बार ऐसे ऐसे करोगे सीधे निकल लोगे अच्छा उसको जानोगे कैसे अगर हम इस बालक के नियम पर चलें कि सो जाने जेते ही जनाई परमात्मा जिसे जनाएंगे कि मैं ही ईश्वर हूं कभी आप जान पाएंगे तो परमात्मा ने कहा क्या निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र ना ये भी तो कहा तो पहले इसमें सुधार करो निर्विषया मना हमारे मन के जो विकार हैं विषय हैं ये दूर हो जाए तो परमात्मा हमको मिल जाएगा लाख परमात्मा के मार्ग पर हम चल रहे हैं सत्कर्म कर रहे हैं लेकिन महाराज हमारे मन के विकार दूर नहीं हुए तो क्या हमें उस कर्म का फल मिल जाएगा और आप